गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। बेटा, इस चैप्टर में हमने क्या करना है, कुछ भी आपको कोई वेक्टर्स दिए होंगे, ये जैसे वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने चेक करना है ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियर डिपेंडेंट हैं या लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट है या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसको बेटा इसको चेक करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। क्या है डिटरमिनेंट? हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं इनको हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। इनको लिख के इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आ गया 5। अगर डिटरमिनेंट जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डिटरमिनेंट यहां पे कितना आ गया 5, ये क्या आ गया नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो होंगे, ये जो आपके वेक्टर्स होंगे ये वाले, ये क्या बन जाएगी, ये इनका सेट जो बन जाएगा वो किस फॉर्म में बन जाएगा, एल आई की फॉर्म में, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सपोज ये वेक्टर्स हैं आपके पास, इनको भी आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कंसीडर कर लिया, ये है इसकी फॉर्म 2 -1 3 3 2 0 0 1 -2, ठीक है। ये वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ये क्या आ गया 0। तो आप ये बोल दोगे द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। देखो अब कैसे आपको पता चलेगा, आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रही हूं मैं, कुछ वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं उसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। अगर डिटरमिनेंट है जो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, बेटा सिंपल सा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो एल आई, अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो एल डी, ठीक है। इसको याद रखने का वे एक सिंपल सा सीख लो भी, अगर यहां पे लाइन आ गई ना नॉट इक्वल टू 0 तो मींस ये आई बन गई, तो ये बन जाएगा मींस एल आई, ठीक है। यहां पे आई नहीं आई ना, ऐसे मींस इक्वल टू 0 आया तो यहां पे बना दिया एल डी। ये एक सिंपल सा वे है इसको याद रखने का। दैट क्या, अगर तो आपके पास डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो मींस ये आई की फॉर्म में आ गया ना, नॉट जो हमने क्रॉस लगाया, तो मींस वेक्टर्स जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे एल आई की फॉर्म में। अगर डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया तो जो वेक्टर्स होंगे वो किसकी फॉर्म में बन जाएंगे, एल डी की फॉर्म में। बेटा ये था क्वेश्चंस को करने का एक फर्स्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड। हमेशा आपके चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एग्जामिन करना है ये जो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं इज वेदर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, हो गया जी आपका ये वाला कंसेप्ट। सेकेंड मेथड आपका है, देखो मैंने क्या किया, इसी वेक्टर्स को लेके चले, इसी वेक्टर्स को, सेम वेक्टर्स को मैंने नेक्स्ट मेथड से क्वेश्चन को किया। क्या थे वेक्टर्स? 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2। इसमें क्या किया,
ये जो थ्री वेक्टर्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको हमने एक रिलेशन में लिख लिया दैट के वन फर्स्ट वेक्टर प्लस के टू सेकेंड वेक्टर प्लस के थ्री थर्ड वेक्टर। बेटा इसमें हमारा पर्पस क्या होगा, सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर अपने पास ये तीनों के वन के टू के थ्री अगर सारे के सारे क्या आ गए जीरो, द सिस्टम ऑफ वेक्टर जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर ये गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, ये बन जाएंगे आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट जब सारे के सारे जीरो हैं। इफ वन ऑफ के वन के टू के थ्री इज नॉन जीरो देन सारे के सारे गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे इन एलडी की फॉर्म में। ठीक है, मतलब अगर तो ये सारे जीरो आ गए के वन के टू तो बन जाएगा एलआई। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया, मतलब के वन अगर सपोज कर लो ये जीरो नहीं है, के टू भी जीरो नहीं है, के थ्री भी जीरो नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका एल डी। अगर सपोज कर लो के वन जीरो है, के टू भी जीरो है और के थ्री जो है वो जीरो नहीं है, तो हमने तो यही कहना इफ एट लीस्ट हम वर्ड यूज कर देते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ इनमें से कम अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो गिवन सेट जो है वो एल डी में बन जाएगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। बेटा जैसे हमने K1, K2, K3 मल्टीप्लाई किया, हमने K1 को सारा मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, K2 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया और K3 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट सभी को इकट्ठा कर दिया फर्स्ट एलिमेंट में, फिर सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया, थर्ड एलिमेंट यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो। फर्स्ट को भी जैसे कॉम्प्लेक्स में करते थे हम लोग, फर्स्ट को इक्वेट किया जीरो से, सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से जीरो से इक्वेट किया, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से जीरो से इक्वेट कर दिया। ये आपके पास थ्री इक्वेशंस आ गए, इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करके के वन के टू के थ्री की वैल्यूज निकाल दोगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट में से जैसे सेकंड माइनस किया तो के टू आ गया, सेकंड में एंड थर्ड को जैसे हमने सॉल्व किया, ये किया सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस किया और थर्ड को टू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया सच दैट ये वाला जीरो आ जाएगा ना एलिमेंट, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर टू सेकेंड ये वाली इक्वेशन में से माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। टू में से अगर ये ऑपरेशन लगाया तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, मीन्स यहां पे के थ्री आपके पास जीरो आ गया। सॉल्व कर लेना, अगर के थ्री जीरो आ गया तो आप चेक करो K2 यहां से, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कह दूं, फ्रॉम फोर्थ K2 भी क्या जाएगा जीरो, फ्रॉम वन K2 भी जीरो है, K3 भी जीरो है, तो K1 भी क्या जाएगा जीरो। तो सारे के सारे मींस ये तीनों जीरो आ गए, तो आप क्या कहोगे The given set of vectors is in एल आई। ठीक है, यही हमने किया था। ये अगर के वन के टू के थ्री सारे जीरो आ जाए तो ये बन जाएगा आपका सिस्टम जो है वेक्टर्स का वो इन एल आई। इज इट क्लियर, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल, हमने क्या किया, के वन को मल्टीप्लाई किया, के टू को किया, के थ्री को किया,
आपके पास ये थ्री इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको सॉल्व कर दोगे जैसे हम नाइन्थ टेंथ में करते हैं या प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देना, वहां से आपके पास के वन के टू के थ्री की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना। अगर वो थ्री के थ्री सारे जीरो आ गए तो आपका क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज इन एलआई। अच्छा नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन था एलडी, हमने ये वेक्टर्स किए थे ना, ये किसकी फॉर्म में है, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ रहा था तो ये बन गए थे आपके एलडी में। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं। देखो ये जो वेक्टर्स दिए हुए थे फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन, इसको हमने पहले तो ये रिलेशन में बना लिया, कंसीडर द रिलेशन के वन फर्स्ट वेक्टर, के टू सेकंड वेक्टर, के थ्री थर्ड वेक्टर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया जीरो जीरो जीरो। वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनको सॉल्व करके हमने थ्री इक्वेशंस बना दी, ठीक है ना। फर्स्ट वाले से 2k1, 8k2, 0k3 फर्स्ट आ गई ये, सेकंड में माइनस k1, 2k2, 1k3 सेकंड आ गई। सिमिलरली थर्ड कर लोगे 3k1 प्लस 0k2, मैंने इसीलिए मिस कर दिया, लिखा ही नहीं, माइनस 2k3 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल दिया। अब इनको सोल्व करना है बेसिकली पर्पस, कैसे, देखो थर्ड में से हमारे पास डायरेक्ट हम करते हैं k1 की वैल्यू आ रही है अपने पास, ये वाले है ना, इनको सोल्व कर दिया इस इक्वेशन को, तो k1 की वैल्यू 2k3 को आप राइट हैंड पे ले जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा। फ्रॉम वन अगर हम करते हैं तो ये तो 0k3 है ना, इसको तो छोड़ ही दे, मीन्स 2k1 8k2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहां पे, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर ले, k2 की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये आ गई k1 की टर्म में, बचा यहां पे हमने k3 निकाल ले, k3 क्या जाएगा 3k1 बाय 2, मतलब k3 को भी k1 की फॉर्म में निकाल लिया, k2 को भी k1 की फॉर्म में निकाल लिया। नाउ हम k1 को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भी पुट कर लो, k1 को हम अगर 1 लेके चले, सपोज नाउ लेट k1 अगर 1 ले लें तो आपके पास k2 कितना आ जाएगा, माइनस 1/4, और K3 कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। तो K1 आ गया, K2 आ गया, K3 आ गया, ये सारे के सारे क्या आए, जीरो आए, नहीं आए। अगर ये सारे क्या है, जीरो नहीं आते तो आप क्या कह दोगे, जो द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज इन एलडी, ठीक है। अगर ये जीरो आ जाते सारे तो आपका बन जाता एलआई, बट नाउ ये बन चुका है एलडी। बेटा सिंपल सा है सारा चैप्टर ये वाला, मैं एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करवा रही हूं। हमने आज किया था मैट्रिक्स को कंसीडर किया टू मेथड से एलडी और एलआई चेक करने की। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो मींस ये क्या बन रहा है आपके पास, आई, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, एल आई। अगर ये आपके पास इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो आपका सिस्टम ऑफ फैक्टर्स इज इन एल डी बन जाएगा। इसका सेकेंड मेथड था, वैक्टर्स को हमने के वन के टू के थ्री एड करके उसमें ये रिलेशन बना दिया, ठीक है। ये रिलेशन में आपका पर्पस क्या है, k1 k2 k3 को आप फाइंड आउट कर लोगे। अगर तीनों के तीनों ये आपके पास जीरो आ जाएं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो बन जाएगा एलआई। अगर ये सारे आपके जीरो नहीं आते जैसे इस केस में था तो फिर आप क्या कह दोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो इज इन एलडी में बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये सारा पढ़ लो अच्छे से, अगर कोई डाउट होता है देन आप मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके बाय बाय।